वेलकम बैक टू नोटिस जॉब 20 में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए न्यू जॉब का नोटिफिकेशन लेकर आया हूँ। आज जो जॉब आया हुआ है, डाक विभाग की तरफ से बंगलौर में वैकेंसी निकाली गई है। इसके फॉर्म को भरने का अंतिम तिथि लास्ट डेट दिया गया है 14 मई लास्ट डेट दिया गया है। इसमें आप लोगों को स्टाफ कार ड्राइवर के पदों पर यह भर्ती लिया जाएगा। योग्यता आप लोगों को 10वीं पास होनी चाहिए, पुरुष एवं महिला दोनों इस फॉर्म को भर सकते हैं। टोटल 27 पदों पर भर्ती लिया जाएगा। फॉर्म ऑफलाइन है, फॉर्म निःशुल्क है, फॉर्म में आप लोगों को कोई भी चार्ज नहीं देनी पड़ेगी। 21 पदों पर स्टाफ कार ड्राइवर का है। 18 से 27 वर्ष आयु सीमा मांगी गई है। 19,900 से 63,200 तक वेतन दिया जाएगा। 10वीं पास तथा 3 वर्ष का अनुभव सहित हल्का भारी वाहन का लाइसेंस होनी चाहिए। साथ ही साथ आपका एज जो है 14 मई 2024 के अनुसार आप लोगों का एज हो जानी चाहिए। एज में आपको नियमित अनुसार छूट भी दिया जाएगा, जिसमें जनरल का 14 सीट दिया गया हुआ, एससी का 4, एसटी का 2, ओबीसी का 6 सीट दिया गया हुआ, ईडब्ल्यूएस का 1 दिया गया हुआ, ईएसएम का 3 सीट दिया गया हुआ। रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए चक्षु प्रकाशन की तरफ से बेस्ट बुक जारी किया गया हुआ, जिसमें आप लोगों को कांस्टेबल का पूरा ऑनलाइन परीक्षा भर्ती 2024 के अनुसार स्टडी गाइड तैयार किया गया हुआ। इसमें आप लोगों को जो है चैप्टर वाइज चैप्टर दिया गया हुआ एंड प्रैक्टिस सेट भी दिया गया हुआ, जैसे कि आप लोगों को देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी दिया गया हुआ एंड चैप्टर वाइज चैप्टर आप लोगों को प्रश्न दिया गया हुआ है, उसके साथ उसका आंसर भी सोल्यूशन भी दिया गया हुआ। जैसे देखिए आप लोगों को जनरल साइंस है तो जनरल साइंस का सभी प्रकार के चैप्टर वाइज चैप्टर दिया गया हुआ, मैथ का भी दिया गया हुआ, रीजनिंग ऑल सब्जेक्ट न्यू पैटर्न पर आधारित है। इसमें आप लोगों को देखिए प्रैक्टिस सेट दिया गया हुआ, साथ ही साथ इसका नीचे आंसर भी दिया गया हुआ और आप लोगों को सोल्यूशन भी अच्छी तरह से दिया गया हुआ। देखिए आंसर दिया गया हुआ आप लोगों को नंबर बाय नंबर आप लोगों को आंसर भी दिया गया हुआ, साथ ही साथ आप लोगों को अच्छी सोल्यूशन भी दिया गया हुआ और यहाँ आप लोगों को सोल्यूशन एंड चैप्टर बाय चैप्टर आप लोगों को सिलेबस बाय सिलेबस दिया गया हुआ है। साथ ही आप लोगों को इसमें आरपीएफ कांस्टेबल के कॉम्बैक भी दिया गया हुआ, जिसमें आप लोगों को चाहे तो आप रीजनिंग रेलवे रीजनिंग के स्पेशलिस्ट ले सकते हैं, मैथ का ले सकते हैं, साइंस का ले सकते हैं। 6,000 आप लोगों को टेस्ट वाला भी बुक मिल जाएगा, टेस्ट वाला भी आप ले सकते हैं। टेस्ट ऑनलाइन परीक्षा टेस्ट का स्पेशलिस्ट भी दिया गया हुआ, इसका जो है आप लोगों को बुक स्पेशलिस्ट ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से प्रोवाइड किया गया, जैसे चक्षु बुक्स.com पर भी मिल जाएगा आप लोगों को, फ्लिपकार्ट अमेजन स्पेडल पर भी आप लोगों को मिल जाएगा। रेलवे का ये बेस्ट बुक्स आरपीएफ का है, जो आप लोगों को चक्षु प्रकाशन की तरफ से 2024 के न्यू पैटर्न पर आधारित ये बुक जारी किया गया हुआ। अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और आप लोग फ्लिपकार्ट अमेजन के माध्यम से भी आप लोग ले सकते हैं। इसमें आप लोगों को आवेदन देखिए भेजने का डाक पता दे दिया गया हुआ, जो आप लोगों को 14 मई तक स्पीड पोस्ट या पंजीकरण के माध्यम से आप लोगों को भेजनी होगी। साथ ही साथ अगर आप लोग आरपीएफ की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये आवेदन के साथ क्या क्या दस्तावेज देनी है, चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूं। पहला में आप लोगों को जो भी आपको सर्टिफिकेट मांगी जा रही है वो देनी होगी। जन्मतिथि है तो 10वीं का प्रमाण पत्र दे सकते हैं, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, एक्सवाईएम का पूरा पता लिखा हुआ डाक टिकट लगा हुआ लिफाफा चाहिए, जिसमें आप लोगों को एडमिट कार्ड वगैरह जो भी हो भेजा जा सके। लाइसेंस एवं अनुभव प्रमाण पत्र है तो दीजिएगा। एक पासपोर्ट आकार का नवीन स्वयं सत्यापित फोटो दे दीजिएगा। आवेदन वाले लिफाफे पर पोस्ट एवं कैटेगरी अवश्य लिख दीजिएगा, या बंगलौर जरूर लिख दीजिएगा, एमएस बंगलौर। आवेदन में किसी प्रकार के कटिंग या ओवरराइटिंग नहीं होनी चाहिए, आवेदन में किसी भी प्रकार के कटिंग या ओवरराइटिंग नहीं होनी चाहिए। आवेदन के कॉलम में स्पष्ट रूप से इंग्लिश के बड़े अक्षरों में भरिएगा, कोई भी कॉलम खाली ना छोड़े, जो कॉलम आपके लिए संबंधित नहीं लागू होता है वो छोड़ दीजिएगा, उसे मत भरिएगा आप लोग। साक्षात्कार के लिए आवेदक को खुद अपने जोखिम एवं खर्च पर आनी होगी, कोई भी DATA नहीं दिया जाएगा। भर्ती से संबंधित संबंध में सभी अधिकारी विभाग के पास सुरक्षित रहेगा, आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आपका डॉक्यूमेंट इधर से उधर नहीं जाएगा, विभाग में आप लोगों को डॉक्यूमेंट सुरक्षित रहेगा। इसका जो आवेदन है प्रकाशित 20 अप्रैल को प्रकाशित कर दिया गया था, जो आप लोगों को अंतिम तिथि दिया गया हुआ है 14 मई को लास्ट डेट दिया गया हुआ। और देखिए बंगलौर का कुछ डिस्ट्रिक्ट दिया गया हुआ, डिवीज़न दिया गया हुआ, जिसमें आप लोगों को भर्ती लिया जाएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।